So guys, I know you are confused and you want a solution. You want to know about SEO, you want to know about search engine optimization. तो आज बहुत जल्दी quickly start करेंगे. ये जो इतनी सारी जो किताबें होती हैं और इतने सारे जो blogs होते हैं, इन सब से हट कर मैं बात करूँगा और ये SEO के बारे में बात की जाएगी. आज किताब वगैरह में जो कुछ भी लिखा हुआ है, आप उससे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, पढ़ पढ़ के और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं. SEO एक बहुत ही सिंपल बेसिक जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, एक बेसिकली अनपेड है. अनपेड आपके जो है वो कहने का मकसद है, अनपेड मार्केटिंग है और इसको अर्नड रिजल्ट्स के ज़रिए इसको जो है वो इसके बहुत से तरीके हैं. इसके बैक लिंक्स होते हैं पीछे. SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप अगर इसमें चाह रहे हैं कि महारत हासिल करें, आप भी चाह रहे हैं कि अपनी जो वीडियोस हैं उसको अनपेड कर कर आप उसके YouTube के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या वेबसाइट को अपने Google के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सजेशन बॉक्सेस के अंदर और ऑटोमेटिकली उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कॉलम्स में देखना चाह रहे हैं, सजेशन में देखना चाह रहे हैं, तो वो उसको बताने के लिए मैं क्विकली स्टार्ट करूँगा. लेजेंड ब्लॉग्स का ये यूट्यूब चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी कन्फ्यूजन को बिल्कुल दूर कर दें. इस वीडियो को पूरा देखें, तमाम जो चीज़ें आपकी, तमाम जो कन्फ्यूजन है SEO को लेके, वो सब ख़त्म होने वाली हैं. SEO एक बहुत अच्छी चीज़ है उन तमाम यूट्यूबर्स के लिए, वेबसाइट ओनर्स के लिए जो अपनी आपको तरक्की आफ्ताब पर देखना चाहते हैं, जो आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचना चाहते हैं. तो दिस इज़ मी हैदर अली खान वंस अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन एंड आई विल बी ट्राइंग टू यू नो क्लियर ऑल योर कन्फ्यूजन अबाउट SEO. ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के बताऊँगा. सबसे पहले तो बात है कि ये ऑर्गेनिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, अनपेड होते हैं और अर्न रिजल्ट्स होते हैं. कीवर्ड्स रिसर्च करें आप. अच्छा, इसका ये पॉइंट है, देखें तीन चार पॉइंट है, पहले मैं पढ़ लूँ उसके बाद में. कीवर्ड्स रिसर्च, कट आउट ऑल इररेलेवेंट वर्ड्स, बैकलिंक्स, रेपुटेशन. रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए तमाम जो इररेलेवेंट वर्ड्स हैं, जो टॉपिक से मैच नहीं कर रहे, आपकी वीडियो से मैच नहीं कर रहे, उसको बिल्कुल ना लिखिएगा. जो टॉपिक से मैच कर रहे हैं, जो वीडियो से मैच कर रहे हैं, अपनी रेपुटेशन को यूट्यूब के अंदर, गूगल के अंदर, वेबसाइट के अंदर बनाने, उसको बरकरार रखने के लिए आपको वर्ड से खेलना है, कीवर्ड से खेलना है. सर्च करें और टॉपिक के मुताबिक कीवर्ड लिखें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ज़रूर मिलेगा. अगर किसी ने आपको फ्लैग दे दिया या अनलाइक बटन दे दिया, अनलाइक बटन का भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आपकी वीडियो को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में रन करने के लिए. अनलाइक होगा तो उसको कम रेटिंग्स होंगी, तो वो सर्च इंजन में इतना नहीं जाएगा. तो अनलाइक आपकी वीडियो पे उसी वक्त आएगा जब कोई आपसे नाराज़ हो के उसको अनलाइक करेगा, आपने बताया हुआ कुछ होगा और अंदर कुछ निकलेगा. तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं और ये कुछ नेचुरल ह्यूमन एक्शन रिएक्शंस हैं आपके एक्शंस के ऊपर. तो ये एक आप कह लें कि बिल्कुल रियलिटी के ऊपर बात की जा रही है और रियलिटी के ऊपर बात करेंगे तो ज़रूर आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वीडियोस और वेबसाइट्स और ब्लॉग्स जाया करेंगे. तो कट आउट ऑल द इररेलेवेंट वर्ड्स, बैक लिंक्स अच्छे डालें, जो आपकी वीडियोस से रिलेटेड हैं वो लिंक्स डालें अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर. तो इसी तरीके से जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपकी वीडियो, ये वीडियो मैंने थोड़ी सी शॉर्ट बनाई है, अभी और भी वीडियोस हैं जो मैं अपलोड करने वाला हूँ, और भी जो है वो कुछ लोगों को लेकर आऊँगा आईटी के अपने इस चैनल के अंदर, उनके साथ कोलैबोरेट करके वीडियोस जो है अपलोड करूँगा. वो वीडियोस अगर आप चाह रहे हैं कि उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिले तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लेजेंड ब्लॉग्स के यूट्यूब चैनल को. और हैदर अली खान का एक और यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें, उधर भी वीडियोस हैं, उधर भी क्वालिटी स्टफ़ है. और आईटी के हवाले से बहुत से लोग लाऊंगा, एसईओ के बारे में बात करेंगे, एसईओ के बारे में आपको तफसीलात देंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो माइन, टिल देन जरूर बाय. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई टॉपिक आपको जो कन्फ्यूज़ कर रहा है, कोई सवाल है आपका, तो ज़रूर मुझसे पूछें इस कॉमेंट सेक्शन के नीचे, इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन, उधर आप ज़रूर सवाल करें.